एक बार फिर शीशमबाड़ा स्थित कूड़े घर का विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर कई वर्षों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। पछवादून संयुक्त समिति और उद्योग व्यापार मंडल समिति सेलाकुई ने कूड़ा घर के विरोध में एक दिवसीय भूख हड़ताल की। वहीं कूड़ा घर को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग की गई। लोगों ने कहा कि कूड़ा घर स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। वहीं कूड़ा घर से उठ रही दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस बार को लेकर क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि कूड़ा घर के लिए दो जमीन देखी जा रही है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। कूड़ा घर में जब से ये स्थापित हुआ है तब से मानक तो पूरे इनके हो ही नहीं सकते हैं। ये ऐसी जगह में लग गया है जहां मानक पूरे हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे तैसे करके इसको चलाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन की इनको शह भी प्राप्त है, मानक भी पूरा हो नहीं पा रहा है, बदबू से बुरा हाल है। ये पछवादून संयुक्त समिति के द्वारा जो शीशमबाड़ा में कूड़ा निस्तारण प्लांट चल रहा है उसको शिफ्ट किए जाने को लेके आज एक दिवसीय धरना यहाँ पे किया जा रहा था, और उन्हीं के द्वारा एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित हमें दिया गया है, जिसे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित किया।